ये जी मिर्जाइयों की जन्नत है, जन्नत है इसको ये लोग अपनी जन्नत मानते हैं। जी। वल्ला आलम, इस जन्नत के अंदर, जन्नत के बाग बने हुए अंदर कब्रों के अंदर, या फिर जहन्नुम की आग उबल रही है। मैं तो यही कहूंगा, एक कब्र को एक बार खोल के देखे ना, पता तो दब चले, अंदर से अजदा ही निकलेगा और तो कुछ नहीं ही निकलेगा। निकलेगा। लेकिन सर अगर कभी हम लोग यहाँ पर आए नहीं ना, तो हमें किसी ने कहा था कि क्रांति भी होता है सर, लेकिन अब तो क्रांति का नामो निशान भी नहीं। ये इनकी जन्नत जी, आप देख सकते हैं कादियानियों की जन्नत। अंकल जितने यहाँ को छोड़ो, आगे जाओ, आगे तो और साफ भाई, ब्रेन में आइडिया लगाओ। 1974 से पहले कैसा आलम हो गया है, मतलब लड़कियां जो घूमती थी, हाँ आइडिया लगाओ। हाँ जी, यहाँ की हूरे भी अभी निकलने वाली होंगी, जी थोड़ी बवाल देर और होंगे, ठहर जाए ना, हम लोग और निकलेंगे। थोड़ी देर और ठहर जाए तो यहाँ पे कंवारी और शादीशुदा हूरे निकलेंगी, जी जो अनपढ़ और मासूम मुसलमानों को बहकाती हैं। अच्छा भाई आगे आ जाइए। ये जी कादियान की जन्नत। कौन है अब ये छोड़ कर आ गई भैंस? जी खजानी आपको घूमते हुए दिखाऊंगा, सोहत अपनी जन्नतों में घूम रहे हैं। थोड़ी धूप की रोशनी पड़ी है, सबसे कम नजर आएंगे। क्या चीज हुआ, क्या हुआ, एक इधर खजानी दिखाना औरत। जरा, हाँ एक मिनट, एक यहाँ से अंदर बाजू करके ना ऐसे आ जाएगी तो बेटा, कम। धूप धूप आ रही है, इस वजह से साफ नहीं आएगी। अच्छा साफ ये क्या खता नंबर 5, इस तरह में। जो जी इनके ब्लॉक्स को कता कहा जाता है, कता नंबर, ये 5 नंबर कता है, और ये यहाँ के जन्नत ही हैं। जी वल्ला आलम, अंदर जन्नत चल रही है या दोजख चल रही है। मैं तो कह रहा हूँ कब्र को भी हाथ लगा तो गर्मी पड़ेगी। ये बात ये तो ठीक देखे है। ना, अंदर बैठने की जगह भी इन्होंने साफ कर बनाई। हाँ जी, बैठने की भी जगह है क्या, आप आराम से ये कुर्सी इसमें बैठ करके। हाँ अरे कुर्सी क्यों नहीं आएगी कुर्सी कुर्सी, और ये इन्होंने पूरी खारदार तार बिछाई हुई है अपनी पीछे की साइड पे, अच्छा आगे चलिए, यहाँ से लेके इनके लोग भी अंदर ले आइए। वहाँ तक, जितना भी अरे इनका बड़ा ये जन्नत है। है भाई हाँ देखो ना, ये हूरे अंदर घूम रही है, वो हूर पीछे। ये बगौल इनके मिर्जाइयों के हूरे घूम रही हैं उसके अंदर। हूरे इनकी जन्नत में घूम रही हैं, मोटी हूर मोटी भैंस किस्म की हूर है, जवान हूरे भी हैं वो, मैंने देखी है, मैं आपको दिखाना नहीं चाहूंगा वो, हाँ जी बिल्कुल सही है ना। जी, वो आपको बाद में अगले सेगमेंट में हाँ, दिखाएंगे। जब बाजारों में निकलेंगी तब दिखाएंगे जी आपको, अभी फिलहाल आप अभी यहाँ इनकी पे जन्नत देख मुनासिब लें। नहीं है ये बात देती हाँ, कि आपको यहाँ पे दिखाई दे। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमें मेन गेट से अंदर नहीं जाने दिया, इसलिए हम पीछे खारदार तारों वाली जगह से अंदर की वीडियो उतार रहे हैं, सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि ये मिर्जाइयों की जन्नत है, और जो कि कहीं से नहीं लग रही कि जन्नत है। जी, और अंदर कब्र क्या को होगा, हाथ लगाने के ऊपर गर्म हुई खड़ी है कब्र। अंदर का पता नहीं क्या होगा हाल। और पहले उन्होंने 10-10 टन या 4-4 टन बजरी डाली हुई कब्र के ऊपर, इसके ऊपर और वजन बढ़ा है जी, मुर्दे के ऊपर, तो मुर्दे का जो हशर होगा वो अल्लाह बेहतर जानता है। ये जी वो जी पहाड़ है जो जन्नत की पीछे है, बिल्कुल जन्नत का पहाड़ कहा जाए इनको, जी जी ये वो जन्नत के पहाड़ है जो इनकी जी जन्नत के पीछे है। थोड़ा सा इसको करीब ले आइए ताकि सही नजर आ जाए। ओ बिल्कुल सही नजर आ रहा है ये पहाड़ तो, जी जी बिल्कुल कि जन्नत जो है ना। जी जी जनाब, तो यहाँ तक आ गई, आप आगे तशरीफ ले जाइए और आगे से और बनाइए। ये आप देख रहे हैं, ये इस वक्त
जी जी जन्नत मिर्जाइयों की जन्नत है, जन्नत के लाइफ स्टाइल है, जन्नत के लाइफ स्टाइल वहाँ पे वहाँ खड़े नजर आ रहे हैं। अगर हम लोग आगे तशरीफ ले जाए तो और ज्यादा आसानी हो जाए। हाँ जी आगे से लेते हैं इनको। इनका खता नंबर 14 आ गया। अब यहाँ से आपको शादीशुदा ये जी इनका मेन गेट आ गया जहाँ से इन्होंने हमको भगाया था। फोटो हम यहीं से बनाएंगे। उस वक्त आपको यहाँ से दिखाते हैं कि वहाँ मिर्जाई खड़े हुए। जी जी अंदर वाटर कूलर भी है। अंदर ओ वाटर कूलर क्या करना, वाटर कूलर तो हमारे पास भी है। ओ, तेरे पास भी है वाटर कूलर। वाटर कूलर वो ठंडा पानी पहुँचाना होगा, पानी पहुँचाना ना घबरे गर्म जन्नतियों को। जन्नतियों को बहुत दूर खड़ी हुई है, पूरे जवान है इससे दूर है। अच्छा है, अच्छा है ना, लोगों को नहीं दिखाऊँ। आगे आप तशरीफ ले आइए, मेरे घर में यहाँ पे एक दो खड़ी हुई थी।